बैठ के ओम शांति बोलते हैं तो हर एक का चेहरा ऐसा लगता है मुख से क्या बोले, शांति प्रेम खुशी शक्ति चारों इकट्ठी दिखाई पड़ती है। सबका चेहरा बताता है शांति प्रेम खुशी शक्ति, चारों का आपस में बड़ा प्यार है। अभी कितनी बातें सुनाऊं, मेरे दिल में बातें बहुत भी होती है, स्पष्ट भी है सार भी है, स्पष्ट भी है, हर बात स्पष्ट है और सार भी है, समझ रहे हो ना। स्पष्ट होने से कभी डाउट नहीं उठा है, उठा ही नहीं, पर अक्ल ही नहीं डाउट का, अक्ल नहीं है तो निश्चय मजबूत हो गया है, समझ रहे हो। निश्चय मजबूत है तो अडोल अचल स्थिति बनाना, जैसे भगवान ने कहा है तुम ये भाग्य तुम्हारे हाथों में है। मैं अभी मैं आपकी जगह पर होती ऐसे से गिनती करती हूँ, मैं ऐसे किया था छिपके छिपके, नोट्स नहीं क्या अभी ले आऊंगा, अडोल पहले अडोल जल्दी डोलेमान न होवे, निश्चय है ना, संशय डोलेमान करता है और हिलाने लग पड़ता है। पर हिल एक तो हिलते हैं पर चलायमान होते हैं तो बाकी भी लड्डू बन जाते हैं, जैसे रेती के लड्डू, वो नहीं जो लड्डू हमको खिलाते भंडारे से मिलता है, वो लड्डू बड़ा वंडरफुल है, जो भंडारे में बापा लड्डू खिलाता है वो लड्डू पावरफुल है। पर डोलेमान और चलायमान वाले की इस लड्डू जैसे ऐसे मिनट में ऐसे बोर हो जाते हैं, रेती के लड्डू वो सेकंड में मिनट में ऐसे 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 हो जाएंगे। तो अभी मैं जो एक में दूसरी दूसरी में तीसरी बात सुनाऊं तो मूंझना नहीं, लड्डू बनाना सीखना हो तो भंडारे में जाकर सीखो, टोली डिपार्टमेंट में जाओ, कितनी मेहनत से लड्डू बनता है, कितनी ताकत वाला बनता है। वैसे अपना भी अंदर ताकत वाली स्थिति ऐसी बनाए, एक लड्डू खाओ ना, एक खाओ पेट भर गया, ताकत आ गई, दो रोटी के बजाय इतने चावल खाओ, दो रोटी खाओ, दाल खाओ, भात खाओ, अरे एक लड्डू खा लो, ताकत चाहिए ना। खाना खाने को किसको ये भरस बहुत है पर हजम करने की ताकत ही नहीं है। जब हजम नहीं कर सकता है तो ताकत कहां से आवे। पर खाना बहुत बढ़िया है, बाबा की मूली बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, पर अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला है डोलेमानी और चलेमानी का, हजम ही नहीं होता है। ये भरस है, टेस्टी है, अच्छा है, पर ताकत नहीं। शिकल तो कई कई बहन भाई को कहती हूँ तुम्हारी शिकल ऐसी कुछ खाया नहीं है क्या तुमने, लगता ही नहीं है तो तुम कोई ब्रह्मा भोजन खाया है या ब्रह्मा बाबा के मुख से कुछ ज्ञान सुना है। तो मैंने अभी अभी बैठे मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा 3 दिन मैं यहाँ भट्ठी करेंगी, सुबह को मूली भी सुनाएंगी, आज कैसी शक्ति आ गई, कैसे भागती भागती मूली सुनाने सतगुरु आ गई, ताली बजाओ इस पे ताली बजाओ। अब मेरे वंडरफुल बाबा की बात है, कैसे बाबा ने 4 बजे हिस्ट्री हॉल में बैठी थी, ऐसी ताकत आई ऐसी ताकत आई, मैंने कहा आज मैं मूली सुनाएंगी,
दो तीन बारी पहले संकल्प किया पर संकल्प नहीं चला सके, साकार ने फिर मैंने शांत कर दिया, संभाल लिया। पर आज जो संकल्प आया ना है, मैंने कहा बाबा मैं सिर्फ आपको शुक्रिया नहीं कहती हूँ, पर आप कमाल का काम जब तक नहीं करो आपको मज़ा नहीं आता है। बाबा कोई मज़ा तब आवे जब कोई बाबा कमाल का काम करे ना, तब तो मैं बाबा की कमाल क्या होती है देखे ना, मैंने तो देखा है पर अंदर सबको दिखाई पड़े ना बाबा क्या कमाल का काम करता है। तो आज आया, अभी नया साल है ना, तो मुरली भी रोज सुनाएंगी, शाम को ऐसे योग भी करेंगे, ठीक है, पूरी बट्ठी करेंगे, ऐसी बट्ठी, ऐसी बट्ठी जो समझो डोलाए मानी चलाए मानी तो गई सदा के लिए गई। और आज बाबन का परचिंतन गया, परचिंतन की जो बड़ी खामी है, खामी है वो कभी ब्राह्मण भी बनने नहीं देंगी, देवता तो पीछे रहा, देवता तो सत्युग में बनेंगे, उसके पहले फरिश्ता बनना है, फरिश्ता वो बनेगा जो सच्चा पक्का ब्राह्मण होगा, जो सच्चा होगा पक्का बन सकता है, जो थोड़ा झूठा है वो तो कच्चा रह जाएगा। सीधी बात बताती हूँ, थोड़ा भी झूठा है, सच्चा बनना जिसको मुश्किल है उसके आगे मुश्किलें बहुत आएगी, मुस्कुराना मुश्किल है सदाई, जो मुस्कुराना भगवान तुमने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा लिया। ये कईयों को तो मेरी स्टोरी का पता है, कईयों को न भी पता है, हम ब्रिज कोठी में रहते थे, थोड़ी बाबा की प्रैक्टिकल जो मुस्कुराना सिखाया ना, थोड़ी थोड़ी कहानियाँ किस किस को मैं नाम नहीं लेती हूँ पर हर एक रियलाइज करे जो बाबा ने दिया है ना उसको यूज़ नहीं किया है, यूज़ किया हुआ होता ना तो आज मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्ष में अब भी होती है, नक मिलेंगी मुक्ति माना कोई भी बात से फ्री, फ्री कोई मुझे रोक नहीं सकता, बंधन मुक्त है, मुक्ति माना बंधन मुक्त है, जीवन मुक्ति माना न्यारी और प्यारी है, जीवन में है सबसे न्यारी, किसी के साथ न लगाओ न झुकाओ न दबाओ, वो न्यारा बन नहीं सकता है जब तक लगाओ झुकाओ, किसके आगे भी झुक जाता है एक सेकंड में, अंधविश्वासी अविचारी विचारी बुद्धि वाला झुक जाता है, ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, अरे बाबा जैसा अच्छा कोई नहीं, नशा नहीं है। और दबाव किसके दबाव में थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ता है, उनकी क्या बनेगी। तो बंधन मुक्त माना लगाव झुकाव दबाव से मुक्त, फिर है जीवन मुक्त। तो बाबा अपना बना करके फिर जो जीवन मुक्त है, मुक्त है पहले सब मुक्त है, लगाव से मुक्त है, झुकाव से मुक्त है, सब सुन रहे हैं, मैं नाम लूँ क्या, अरे कान खोल के सांभरो सब जा, लगाव झुकाव दबाव से, बाबा आपकी मेहरबानी, रियलाइजेशन से। तो वो जो भक्ति मार्ग में मुक्ति मांगते हैं ना, तपस्या करते हैं ना, जंगलों में जाते हैं ना, वो बाबा के घर में बैठे ही मुक्त हो गए, सामने आते ही हो गए, मुक्ति धाम में तो पीछे जाएंगे पर अभी मुक्ति मिल गई। कलयुगी कर्मंधनों से मुक्त,
कलयुगी कर्म बंधन से किसी प्रकार से भी कर्म बंधन से मुक्त। ये क्यों सुना रही हूं? अभी 3 दिन बठी करनी है, मैं भी आपके संग करेंगी और फिर जीवन मुक्त। वारे मेरा बाबा वाह, आप कहते हो तू मेरा बच्चा, मैं कहती हूं अब मेरा बाबा। बाबा के तू मेरा बच्चा, अच्छा बच्चा है, मेरा बच्चा है तो ऐसा हो, मैं कहूं मेरा बाबा हो तो कैसा दिख। तो ये जो मेरा बाबा कैसा है, बाबा कहे मेरा बच्चा ऐसा है, तो कहेंगे ये है जीवन मुक्ति का वर्षा। कभी भी किसी प्रकार से शिकल छोटी ना हो जावे, कभी लाल हो जाएंगी कभी पीली हो जाएंगी, असंतोष तो लाल हो जाएंगी, अपमान की थोड़ा वो हो गया तो पीली हो जाएंगी। इसका नाम प्राच काम कुछ भी नहीं करते, नाम इसका ही आता है, मेरा कभी नाम नहीं आता है, लगा गुस्सा। अरे नाम से काम नहीं है, तुम काम करो तो नाम भगवान के मुख पर तेरा आएगा। काम ऐसा करो जो भगवान के मुख पर तेरा नाम आए। पर जब तक यहां नाम रूप जैसे में थोड़ा है ना, तो वो नाम कमाने के लिए जो काम करता है ना, वो भगवान के मुख का संतान नहीं है। भगवान के मुख का संतान वो है जिसके मुख में भगवान का नाम है, मुख में भगवान का नाम है, तो भगवान के मुख में उसका नाम है। तो कल किसको थोड़ी स्टोरी सुना रही थी, बाबा को किसका नाम भी याद नहीं आता था, बच्ची आओ, बच्चा आओ, बस उसमें इतनी कशिश है। अभी भी अभी बाबा थोड़ी नाम से थोड़ी बुलाता है। तो आज के संदेश में मुझे सारा दिन मन में ज्वालामुखी रूप हो। किसने आज के संदेश पर मनन चिंतन किया? एक ज्वाला रूप के रूप, दूसरा शीतला हो, तीसरा नजर से निहाल करने वाला हो। बताओ सच, आज सुबह को संदेश सुनने के बाद किसको ये बात लग गई और प्रैक्टिकली अंदर से अनुभव किया? यहां थे थोड़े आप? अच्छा, हाथ उठाओ, सच्चा सच्चा हाथ उठाओ। ज्वालामुखी जो कोई भी हमारी अंदर किचड़ापटी भस्म हो जाए और अच्छाई चमक आ जाए, ऐसी पावरफुल याद, योग तपस्या उसको कथा का ज्वालामुखी में याद किस याद नहीं आए, योग एक बाबा से तपस्या तो बस। ऐसी स्थिति अपनी बनाना, फिर शीतला, छोटी सी बात में भी थोड़ा सा ऐसे नहीं होना, धीरज शीतल। बहुत अच्छा है, कोई बात थी, सब ठीक है। तो ऐसे ऐसों की नजर है, जैसे बाबा उनकी नजर से अनेक आत्माओं को निहाल करते हैं, क्यों उसने नजर अपनी ठीक रखी है बना के। कोई भी फीलिंग जो है अच्छी है या खराब है, नजरों से पता चल जाता है। तो जिसके पास सच्ची दिल है, बाबा के लिए सच्ची दिल है, जो बाबा बनाने चाहता है उसके बिगर और कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्यों बाबा की नजरों से निहाल हो गई है ना।
जो हम भक्ति में भी कहते थे, नजर से निहाल सामी की दा सतगुरु, जो बाबा के मुख पर भी आता था पहले पहले, और हमने भी भक्ति में भाई सतगुरु वो जिसके नजर से निहाल हो जाए, जो बाबा के नजर से निहाल होने का अनुभव करता है ना, कभी वो बेहाल नहीं होता है, नेवर। तो आज जब आकर कर रहे थे, कहते तुम इतनी मजबूत कैसे बनती हो, मैंने कहा मैं कैसे बनती हूँ, मैं वो थोड़ी हूं जो ऐसे फिलरी हो जाऊं ना। नजर से निहाल स्वामी की दा सतगुरु, मेरा स्वामी भी है सतगुरु भी है, मेरा बाप कौन है। तो जब अपना अनुभव नजर से निहाल करने में मैं वाला मेरा सतगुरु है, तो मेरी नजर कैसी होगी, जो कभी बेहाल ना होवे, कोई पूछे नहीं हाल चाल तुम ठीक है, कुछ चाहिए ना, ना सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, दिल से आवाज निकले शुक्रिया पर सब कुछ है, आपको कुछ चाहिए। तो इसमें एक बारी बाबा ने, तो बाबा की रूम थी इधर कोने में और यहाँ थी हमारी रूम इस कोने में, तो बाबा को मेरे खांसी का भी आवाज़ जाता था, तो रात को 2 बजे आ करके हनी ऐसे करके सुला के जाता था। जब भी यहाँ से पास करेंगे ना बाबा की रूम से, तो ऐसे बाबा की रूम से पास कर रही थी तो इशारा जैसे बाबा खींच रहा है, बाबा की रूम में चली गई। तो ब्रज गोठी में बाबा के रूम से बहुत फ़ायदा लिया, यानी बाबा के 4 बजे भी जाओ आओ बच्चे आओ इशारा करेगा। तो दिन का टाइम था तो ऐसे पास कर रही थी, तो मैं खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा कहता है ये मैं क्यों सुनाती हूँ, आप ही अनुभव कर लो आज से, समझा बच्ची, गीत गा रही हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, आप समझो वो सीन कितनी सुंदर होंगी, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, भगवान वाच है। तब से लेकर के जो मुझे जानते हैं, ये 50 साल पहले की बात है, कोई बात मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, भगवान कहे और हम भगवान को कहें आपने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, उसके बाद क्या आप मुश्किल है। परंतु वो जो भगवान के बोल है ना, वो दिल को टच नहीं हुए हैं, और दिल ऐसी है जो दिल को जो टच होती है ना बात अच्छी हुई तो भूलेंगे नहीं, और बुरी हुई तो भूलेंगे नहीं, दिल ऐसी है। तो आज किसी ने कहा मैं सेंसिटिव नेचर मेरी कैसी, अरे सेंसिबल बनना, दिल में कुछ बात रखो ही नहीं ना, दिल दिलाराम को दी हुई है ना, तो इसमें और भी बात सुना देती हूँ, समझा। एक तो बाबा ने अपना बनाया, ये कभी नहीं भूलता, भूल सीनी नहीं भूलती है ना। तो आज जो बट्ठी करनी है ना अभी हमको नए साल की, इसमें ये बट्ठी में ये जो बाबा के बोल है ना, ऐसा मुस्कुराना नेचुरल मुस्कुराना, जो मेरे मुस्कुराने से दूसरे की मुश्किलात भी चली जाए, हमारे सामने तो नहीं आएंगी, भगवान की शिक्षा अनुसार और शिक्षाओं को अच्छी तरह से पालन किया है तो सतगुरु की रिक्षा अनुसार, सतगुरु है ना मेरा रिक्षक है, मेरा बाप है शिक्षक है, सतगुरु मेरा रिक्षक है, रिक्षा तो उसकी रिक्षा है हमारे ऊपर, कुछ नहीं हो सकता है, कोई ना धूप ना छाँव ना किसी का वाइब्रेशन नहीं है, फलाना किसके वाइब्रेशन आते हैं बाजू से,
पता नहीं मैं घबराती हूँ, डरती हूँ, अरे डरती हूँ घबराती हूँ, तो शेरनी शक्ति है। तो ये जो निर्भय और निर्वैर स्थिति में, तो पहले कहने में गुरवाणी के हिसाब से कहते हैं निर्भय निर्वैर, परंतु हमारी अनुसार निर्वैर निर्भय। भट्टी में ये बात रखना धर्म, किसी के कोई भी आत्मा को सामने लाओ, भले उसने मेरे से क्या भी किया हुआ हो, अपना पार्ट बजाया, मेरे लिए एक अच्छी तरह पेपर आया, बाबा ने पास होने की शक्ति दे दी। वैर भाव अंदर हुआ तो भय जरूर होगा, पर जिसके अंदर किसी आत्मा के प्रति भी जरा भी गिलानी नहीं, गिलानी करने वाले के लिए भी गिलानी नहीं, असुर न गिलानी है, वो सेफ्टी है अपने लिए, भय नहीं होगा। कहीं आत्मा ऐसी है थोड़ा वैर भाव का जो संस्कार होता है ना, वो वही बातें सुनते हैं, वही बातें सुनाते हैं, जो आज बाबा ने कहा धूती परा, तुम्हारी इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये भी बाबा ने शिक्षा दी थी साकार में, समझो बाबा ने मेरे को किसके लिए इशारा दिया, बच्ची उनसे संभालना, मैं जाकर उसको बताती हूँ बाबा ने मुझे कहा इनसे संभालना, ये बुद्धि है कोई? बाबा ने हम बच्ची को संभाला, बच्ची तुम थोड़ा फालतू बात करने वाली के पास नहीं जाना, उसके संग में नहीं आना, तो मैं जाकर उसको बताऊं, तो बाबा ने मुझे इशारा दिया। बड़ी कईयों की बुद्धि जो है ना, अच्छी बात ग्रहण करने के बजाय ऐसी बातें ग्रहण करते हैं जो दूसरे को भी वही बात सुनाते हैं, ये बहुत नुकसानकार बात है। उसके अंदर निर्भयता आएगी ईश्वर की शक्ति से, जब तक ईश्वर की शक्ति डायरेक्ट मुझे आत्मा में नहीं आई है, तो मेरे किए हुए पाप भी है वो खलास नहीं हुए है, क्यों बाबा के योग से प्यार से मैंने उसको नाश नहीं किया है, रहे हुए पाप। दूसरा, अभी भी चलते फिरते ऐसे कर्म होते हैं, ऐसी वाणी निकलती है जिसमें वो कर्म श्रेष्ठ कर्म में नहीं है पर विकर्म में है, उसको पता नहीं चलता ये विकर्म है, इसलिए बाबा ने बड़ा कान पकड़ के रोज मूली में समझाता है, बच्चे कोई ऐसा गलत काम नहीं करो, कुछ भी कारण है, पर तुम मैंने गली तो मैंने की, शिकल तो मैंने ऐसी बनाई, कंप्लेन तो मैंने किसकी की, गलती मेरी है। कभी भी कई किसकी कंप्लेन मन में रखना, मुख से बोलना मना, ये भी एक सीन मेरे सामने हमेशा याद आती है, ये जो हिस्ट्री हाल पर बाहर खिड़की पर मम्मा अंदर क्लास मूली चला रही थी, मम्मा के लिए मूली नहीं कहते, बाबा कहते मम्मा कहते मूली नहीं बोलो, मम्मा अंदर बाबा खिड़की फरा है, तो कोई आत्मा आई बाबा के सामने, कुछ बता रही थी बाबा ये ऐसा करते ऐसे करते हैं, तो बाबा मुझे कान में कहता है बताया और की बात, दिखाया मैं क्या हूं, सिंधी में कहता अपनी अंदर की जो वो दिखाया, समझ रहे हो ना, यानी मैं ये ऐसी ही करती है मेरे बरात, तो तुम ऐसी हो ना, जो जरा सा भी औरों की फीलिंग लेकर के बाबा को सुनाना तो बाबा क्या करेगा,
क्या करेगा। बाबा ये कहता है बच्ची तुम स्वकुत एक, और जो भी आत्मों से कनेक्शन है उसकी अच्छाई को देख तो तुम अच्छी बन जाएगी, और किसके अच्छाई को न देख तो मैं अच्छी नहीं बनेगी। बहुत सूक्ष्म है, अच्छाई को न देखा तो मैं अच्छी कभी नहीं बनेगी, पक्का समझ लाओ। किसकी भी बुराई को देखा तो मैं बुरी बनेगी जरूर, पर कोई समझे मुझे सदा ही सब बुरे देखते हैं, सब मुझे ऐसे देखते हैं, अरे तुम गुस्सा तो नहीं करो। अंदर से अपन को समझा करके सिखा करके सुधार कर लो, वो भी सब देखेंगे भाई वंडर है, इसने बहुत पुरुषार्थ किया है, मैंने बहुत चेंज देखी है, अभी हमको ऐसे चेंज, मुझे भी ऐसे होना है। ये सच्ची दिल से जो पुरुषार्थ करने वाला ना, वो किसका छिपता नहीं है। सच्ची दिल से पुरुषार्थ जो भगवान को सामने अपना समझ के करता है, अंदर से सब विकर्म विनाश हो गए, हल्कापन आ गया, कोई व्यर्थ संकल्प भी ना आए, याद के सिवाय और कोई बात नहीं है, कोई फरियाद नहीं है, याद के सिवाय कोई फरियाद नहीं है, ऐसे अंदर से ज्वालामुखी और ठंडा बनाना है, शीतल शांत। मैं आत्मा देह से न्यारी, कनेक्शन बाबा से, जैसे बाबा कहते बच्ची मन मना बाबा, हाँ जी बाबा, मन बेचारा इतना शांत, जैसे बाबा ने लोरी देकर सुला दिया, बाबा का कहना माना, बाबा ने लोरी जैसे बेबी को सुलाया जाता है ना, तो बेबी बड़ा खुश हो जाती है आराम से, ऊँ आ नहीं करते, जो बाबा लोरी देके सुला देता है। ऐसा जो अपने पुरुषार्थ में अपने ऊपर सच्ची दिल से जो ध्यान रखता है, उसका ध्यान भगवान रखता है। जो अपने ऊपर ध्यान रखता है और कोई बातों में उसका ध्यान जाता ही नहीं, अच्छी बात ले लेता है, बाकी बात छोड़ देता है, छूट जाती है, छोता नहीं पर छूट जाती है, कोई बात को पकड़ता ही नहीं है, कोई उसके हाथ में आती भी नहीं है, जो न काम की बात है। तो मैंने इस पे बताती हूँ, जब जयपुर में मेगा प्रोग्राम हुआ था तो जिसके घर में मेरे को रखा था, कहाँ तो बाहर से लोगों ने रखा था, जो भगवान का ध्यान रखते हैं उसका भगवान ध्यान रखता है। ओके, बाहर जा रही थी तो मैंने कहा ये तो अच्छा स्लोगन है, तो अभी हमारे नीचे शांतिवन में पहले लिखा पड़ा है, जो भगवान का ध्यान रखते हैं उसका भगवान ध्यान रखता है, जो भगवान का ध्यान ही नहीं रखते, ध्यान इधर इधर इधर, तो भगवान वेला बैठा है क्या, उनको हजारों पर ध्यान देना है, मेरा ध्यान इधर उधर, भगवान कैसे मेरे ध्यान रखें, मैं ऐसे ध्यान, अच्छी बच्ची अपने आप घूम के चला जाएगा, शक्ति दे देगा, चलो ऐसी इतनी बातें अच्छी है, जो अपने में पक्की ऐसी कर लेवे, जो एक अच्छी बात मेरे से एक भी मिस ना होए, ना अच्छी बात का नाम निशान ना होए, ये 3 दिन बच्ची करेंगे। अब सतगुरु से शुरू करते हैं, संडे तक चलेंगे, सुबह को मुरली भी आगे चल करके, जो बाबा को जो दादी मुझे प्रोग्राम देंगी, अभी तो मैं दादी को, दादी हम 3 दिन भट्ठी करेंगे ऊपर है संडे शाम तक, हाँ ऐसे ठीक है, हाँ सबको मंजूर है, मध्य पांडव भवन वालों को, यहाँ ही करेंगे, क्यों यहाँ ज्ञान सरोवर भी है, हॉस्पिटल भी, सब हम एक हो जाते हैं ना, मजा आता है ओम शांति भवन में। तो हमने कहा ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, इतना हर एक
पावरफुल है, बहुत वायुमंडल बहुत अच्छा बन गया है, डायमंड हाउस का देख हाल का देखो तो क्या लगा पड़ा है। हारमोनी हाल देखो तो हारमोनी के कमाल है, हारमोनी बजाओ बस, हारमोनी झगड़ा टूटा, हारमोनी का मैं बड़े बड़े काल ऑफ टाइम वाले थे, मैंने कहा हार उन्होंने समझ लिया, हारमोनी माना हारमोनी झगड़ा टूटा, ये हारमोनियम अंगुली पांच बराबर नहीं है पर हारमोनियम से बड़ा साज अच्छा बजाती है, गीत अच्छा मुख से गाते हैं। और ओम शांति भवन की तो बिल्कुल विमान में बैठे हैं, शांति वन में जाने के लिए, शांति वन में शांति करने के लिए आते हैं, कितने भी हैं पर शांत में रहते हैं, हारमोनी हाल में बैठते तो हारमोनी बजाना अच्छा तरह से, ओम शांति भवन में आते हैं तो बिल्कुल विमान पर बैठे चले शांति धाम। ऐसे ही अपने ऊपर दया दृष्टि रखो तो बाबा की दुआ है, अगर अपने ऊपर दया नहीं कोई करता है तो बाबा की दुआ कैसे मिले। तो पहले दया अपने ऊपर, अपने बुद्धि को फालतू बातों में, अरे बाबा ने ये भी मैं बता देती और भी थोड़ी एक दो बात जो भट्टी में पकी रहे, कराची में जब पहले पहले मैं ज्ञान में आई हूँ तो मम्मा वहाँ भी ऑफिस होती थी सेवा के लिए, मम्मा डायरेक्शन देती थी, डायरेक्शन बाबा का परम पर कुमार का दादी को, तभी भी ये भी करना है ये भी करना है, झार बरा ये ओ आसपुर यूनिवर्सिटी में भेजना है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजना है, ये बाबा का डायरेक्शन होता था। पर मम्मा कुर्सी पर बैठती थी, अच्छा लगता था मम्मा को जब शांत में देखते थे ना जाकर बैठते थे। मैंने कहा मम्मा मुझे एक बात सुना दो, मैं क्या पुरुषार्थ करूं। मम्मा मेरे को अच्छी मीठी दृष्टि देती रही देती रही, कहा सदाई समझना मेरी अंत घड़ी है, अभी भी मर जाऊं तो मेरी स्थिति अच्छी हो। तो मीठी मम्मा की ये बात कभी नहीं भूली है, मुझे कोई कहेंगे ना कल ये करेंगे परसों ये करेंगे, मैं कल की बात देखा, आज मैं मर जाऊं ना अभी मर जाऊं ना ऐसे मरूं, स्थिति ऐसी हो, कोई झुटका घुटका ना हो, योग में झुटका आए और अंदर कोई संकल्पों का घुटका हो, ऐसे शरीर छूटेगा कैसा छूटेगा। कभी याद में झुटका आया जिसको वो क्या होगा शरीर कैसे छूटेगा, और अंदर संकल्प ऐसे जो करता है उसका शरीर कैसे छूटेगा। भले कितने भी सेवाओं के प्लान बने हैं, सेवा भगवान की है, सब करते हैं अच्छी किया है हो रहा है, पर मुझे तो झुटका घुटका तो ना आए ना, प्रैक्टिकली कभी भी शरीर छूटे ऐसे ऐसे अंदर ऐसा रिहर्सल होती रहे तो बाबा कहेंगे ये मेरी बच्ची अच्छी है, मेरी बच्ची अच्छी है, बच्चा अच्छा है, जिसका कोई बात नहीं और बातें सब अच्छी हो रही है ना, मैं क्यों फिक्र करूं। मुझे अपना संकल्प अपना श्वास अपना समय ये तीन मेरी पर्सनल बात है, शरीर में आत्मा है, आत्मा को समझ है ये समय कैसा है, मेरा संकल्प कैसा है, ये श्वास जो चल रहा है ना, तो ये भी बता देती हूँ कितना लंबा टाइम मैं समय कितने साल मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरा श्वास कभी स्लो भी नहीं चले कभी जल्दी भी नहीं चले, किसका बोलते बोलते श्वास चढ़ जाता है किसका श्वास रुक जाता है, नहीं बोल सकते हैं ना मैं नहीं बोल सकती हूँ नहीं कहते, अब कोई का जल्दी जल्दी बोल करके पर थक जाता है भाई। ये था ना बाबा का संदेश, बाबा का संदेश का मतलब ये था ना,
तो सभी श्वास रुक भी न जाए, श्वास जल्दी जल्दी भी न चले, हर श्वास में, हर संकल्प में, हर सेकंड में मैं बाबा के पास हूँ, बाबा मेरे पास है। तब प्राण तन से निकले, पर वो जो अब अंदर से ये भाग गया ना, तो सारा कल्प मेरे को गारंटी है, ब्रह्मा बाबा को देख गारंटी है, हमारा कोई जन्म में भी श्वास ऐसे तकलीफ से नहीं छूटेगा। अभी भगवान वर्षे में दे रहा है, न से 21 जन्म सत्युग में तो पता ही है, ऐसे पुराना शरीर हुआ है, अभी छोड़ना है, नया लेना है। बिल्कुल द्वापर से लेकर भी ऐसी भक्ति होंगी, इतना भी भगवान से प्यार है, कभी श्वास दुख में नहीं उठेगा, कभी लोभ मोह में शरीर नहीं छूटेगा। जैसे बाबा ने कहा, भक्ति करते हैं भगवान से को पाने के लिए, भगवान को पाना माना, पाना माना ज्ञान में भगवान स्वयं माता पिता सखा सतगुरु मिला, पर बाकी जन्म क्या होगा, नाम मात्र होंगे, बहुत विकारी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। बाबा ने एक बारी, बाबा से मैंने रूवरियान की थी, सच्चा भगत जो है ना कभी झूठ नहीं बोलेगा, भले कलयुग है झूठ नहीं बोलेगा। बाबा को मैंने देखा, मैं अपन को भी देखा, नेवर झूठ नहीं बोले, क्यों बोलो, किसे डरती हूँ क्या, जो बात है जैसी है। कभी चोरी नहीं करेंगे, नेवर। तो आज बाबा ने कहा, मां को ना कोई चीज चाहिए, छिपाते क्यों हो। सच्चा भगत, सच्चा ज्ञानी, जो सच्चा ज्ञानी अभी बनता है ना, यानी ज्ञान को सच्ची दिल से धारण करता है ना। तीसरा, दयावान बहुत होंगे, कठोर नहीं होंगे, कोमल भी नहीं जो जल्दी ऐसे ऐसे मुरझा जाए, कठोर भी नहीं होंगे, किस पर भी दया आएंगी, भाई ठीक हो जाएगा ना, बदल जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, सबके लिए अच्छा, भावना अच्छी। ये संस्कार हमारा अभी जो बाबा भर रहा है, अंतिम जन्म तक यूज हुआ है, भक्ति में भी वो संस्कार काम में आए हैं। जो दिखावे वाले भक्ति नहीं, दिखाने की भक्ति नहीं, सच्ची मान भक्ति माना भगवान से सच्चा प्यार, रूखी रोटी खा के भी सुखी रहे हैं, झोपड़ी में रह के भी सुखी रहे हैं, कोई मुझे मेल चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सुखी है। वो संस्कार अभी अपने भरना, इसके लिए बठी करेंगे। शशि बहन ठीक है, कहाँ गई शशि, डॉक्टर मेरा वहाँ बैठा है। ठीक बोला आपने जी दादी। हाँ, ये बठी ठीक है, ठीक है, मंजूर है ना, सबको मंजूर है। हाँ मंजूर है ना, तो थैंक्स। नहीं ऐसे जो बाबा अभी गुलजार दादी को पता चले ये क्या प्लान बना रहे हैं, बाबा को बताएंगी ना, बाबा कहेंगे हाँ ये जनवरी मास है, वंडरफुल मास है, मधुबन का पर्व सारे विश्व में जाएगा ना, मधुबन से सारे विश्व का ध्यान मधुबन में है ना, मधुबन क्या कर रहा है, मधुबन ये कर रहा है, कोर्स नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्स ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, बट्ठी कर रहे हैं, हमारी जैसे कराची में बट्ठी पक्की पक्की बनेगी। अच्छा, नई दुनिया स्थापन करने के लिए जल्दी जल्दी विनाश के पहले हम अपना काम करें। ओके, अच्छा, थैंक यू, ओम शांति।